हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जीव विज्ञान देख रहे हैं, बायोलॉजी, तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे पादप कार्यकी के बारे में। इसमें बात करते हैं पादप रोगों के बारे में, रोग। ठीक है, आपको बता दें ये सभी लेक्चर प्ले लिस्ट में जनरल साइंस के नाम से एक सूची बनी हुई है, उसी में डले हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी। पौधों को रोग प्रतिरोधी किसके द्वारा बनाया जाता है? जंगली किस्म से प्रजनन करा के। हरित बाल बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग किस कारण होता है? जीवाणु के द्वारा। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रया कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो कैटरपिलर। मिली बग किस फसल से संबंधित है? सरसों से। ठीक है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाली वैज्ञानिक कौन है? केसी मेहता। अग्नि निजजा रोग किससे संबंधित है? सेब से। गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? कोलेटो टिकस फालकेटस केटम। मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा। किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? इसके लिए रो स्पोरा ग्रैमीकोला। आलू में होने वाले ओवर भावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? फाइटोफेथेरा इनफेंटेंस। सिट्टक कैंकर क्या है? नींबू का एक रोग। रिंग रोग के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है? शिथिल रोग। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? ऑक्सीजन की कमी। आगे बात करते हैं। साइट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? जेंथोमोनास सिट्टाई के कारण। ब्लाइट ऑफ पेडी किसके कारण होता है? जेंथोमोनास ओरोइजी। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग किसके कारण होता है? कवक द्वारा। रिंग रोट ऑफ पोटेटो किसके कारण होता है? जेंथोमोनास सोलिनेसियम जीवाणु द्वारा। यक्षमा रोग किसके द्वारा होता है, फैलता है? जीवाणु द्वारा। तंबाकू में मुजेक रोग के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? टोबैको मुजेक वायरस TMB। आलू में मुजेक रोग के लिए कौन सा विषाणु उत्तरदायी है? पोटेटो वायरस एक्स। केले में विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग क्या है? बंकी टॉप ऑफ बनाना। केले के रोग बंकी टॉप ऑफ बनाना के लिए कारक जीवाणु का नाम क्या है? बनाना वायरस फर्स्ट। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ काटन किस जीवाणु द्वारा फैलता है? जेंथोमोनॉस। गेहूं का टुंडो रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? कोरिनो बैक्टीरियम इंडोवाइटोटिकम बाइटोटिकम। आलू में पाटे रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। आलू में पाटे रोग के लिए उत्तरदायी कवक का नाम क्या है? सेंडी सेंकी टीएम एंडोवाइट बायोटिकम। अरहर का झुलसा रोग किस कवक के कारण होता है? प्यूजेरियम ऑक्सी स्पोरियम। नींबू का डायबैक रोग किसके कारण होता है? तांबे की कमी के कारण। आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता की। राई का एरगोट रोग किसके कारण होता है? कवक दो के द्वारा। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग पौधों के रोग, और ये हिंदी में रोगों के नाम हो गए, रोग कारक हो गए। ठीक है, श्वेत किट वाइट रस्ट ऑफ क्रोसीफेरस ये होता है सिस्टोपस कैंडिना
कैंडिडा। आगे बात करते हैं, अनाज में घास की चौड़िल आशिता, पोडरी मिडिव ऑफ केरलियस एंड ग्रासेस, ये होता है एरिसाई भी जातियों द्वारा, सेब के फल की सड़न, फ्यूट्स रॉट ऑफ एप्पल, सेब के फल की सड़न, तो याद रखिए पेरो पेरोनो स्पोरा जातियों द्वारा होता है, कोसीफर की मृदु रोमिल आशिता, तो याद रखिए इस होता है रो पेरोनो स्पोरा जातियों के द्वारा, आलू की पूर्व अंगमारी, तो ये होता है रोग का कवक है अल्टीनीरिया सोलिनी, धनिये की स्तंभ पीठिका, ये होता है प्रोटोमाइसीज मैक्रोस्पोरस, गन्ने की लाल गलन, ये होता है कोलेटोट्राइकम फल कैटम, गेहूं का काला कीट, ये होता है पक्सिनिया ग्रेमिनेसस टेट्रीसाई, गेहूं का स्लत कंड, ये होता है अस्टीलेगो न्यूडा टेट्रीसाई, मूंगफली का टिक्का रोग, ये होता है सार्कोस्पोरा पार्सोनेट, आलू का किड़क रोग, ये होता है पेथी यम डिवीरिनम, चने की किट, ये होता है यूरामाइसीज साई सेरिस एरिटनी, अलसी का किट, ये होता है मेल मेपसोरा लाइनाइड, ठीक है, फिर अलसी का किट देख ही लिया है, मिल मेप्सोरा लाइनाइड, आलू की विलंबित अंगारी, होता है फाइटो पिथोरा इनफेस्टेंस, इस रोग के कारण 1945 में आयरलैंड में भयंकर अकाल पड़ा, क्योंकि वहाँ के निवासियों का मुख्य खाद्य पद आलू है, इस दुर्भिक्ष के कारण 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, फिर है धान की भूरी पर्णचिति, तो ये होती है हेलमी हेलमिनथो स्पियोरिया ओराइजी, इस रोग के कारण 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा, लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी इससे। खुश अब बात करते हैं कुछ विशिष्ट पादप रोग, इनकी बीमारी देखते हैं और रोग की पहचान और नियंत्रण। तो झोंगा रोग, इसका प्रकोप पत्तियों गांठों बालियों के डंठलों एवं छोटी छोटी पुष्प टहनियों पर होता है, पत्तियों पर आग की आकृति के धब्बे बनते हैं जो बीच में राख के रंग के तथा किनारे भूरे रंग के होते हैं, तने की काठियों का गांठों का रंग काला हो जाता है। बीजों के नियंत्रण का उपाय, बीजों को 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अथवा 20 ग्राम एग्रोमाइसिन को 45 लीटर पानी में घोलकर 25 किलोग्राम बीज को रात भर भिगोने के बाद बोएं। खड़ी फसल में 2 से 2.5 किलोग्राम डाइथेन M45 को आवश्यक पानी में मिलाकर 10 दिन के अंदर दो बार छिड़काव करें। फिर झुलसा या पत्तियों का भूरा धब्बा, पत्तियों पर गहरे रंग के गोल धब्बा तथा अंडाकार धब्बे बनते हैं जिनके बीच का हिस्सा कुछ पीलापन के लिए हुए धूसर रंग का हो जाता है तथा धब्बों के चारों ओर पीला सा घेरा बन जाता है। उपयुक्त ढंग से बीजोपचार करके बोएं और तथा खड़ी फसल में डाइथायोकार्बामेट की 2.5 किलोग्राम मात्रा को पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फिर जीवाणुज झुलसा, इस रोग में से पत्तियों के सिरे तथा किनारे सूखने लगते हैं जिससे सूखे भाग हरे भागों से एकदम अलग दिखाई पड़ते हैं, सूखे हुए किनारे अनियमित टेढ़े मेढ़े होते हैं। उपयुक्त ढंग से बीजोपचार करके बोएं तथा खड़ी फसल में यदि संभव हो तो खेत का पानी निकाल दें तथा 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को पानी में घोलकर छिड़काव करें, ठीक है। याद रखिए आप, ये अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ते रहना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम बता देते हैं बीमारी, धान से संबंधित है झोंका रोग, झुलसा या पत्तियों का भूरा धब्बा, जीवाणु रोग धान से संबंधित है जीवाणुज झुलसा, जीवाणुज धारीदार रोग ये भी धान से संबंधित है, खैरा रोग ये भी धान से संबंधित है। अब इनका रोगी की पहचान नियंत्रण देखना है आपको, तो स्क्रीनशॉट के पढ़
लेकिन पढ़ता रहना, ठीक है। आगे बात करते हैं, सफ़ेद रोग भी धान से संबंधित है, ठीक है, सफ़ेद रोग भी धान से। फिर है मक्का से तुलसीता, पत्तियों का झुलसा रोग, संकाणु जनित तना सड़न, ये भी मक्का से संबंधित है, ठीक है। अगर इनका भी पहचान देखना है, उपचार देखना है, तो आप स्क्रीन शॉट लेके पढ़ते रहें। ज्वार आवृत कंडुआ ग्रैंड स्मट स्मट रोग होता है, ठीक। फिर है बाजरा, बाजरा में होता है, बाजरा में तुलसीता रोग होता है, कंडुआ रोग होता है, अर्कट होता है, अर्कट बाल हरित रोग होता है। मूंगफली की बात करें तो टिक्का, कालर रोट और जड़ सड़न होता है, ठीक, याद रखिए। अरहर की बात करें तो अरहर में उकठा और तना सड़न होता है रोग, ठीक। मूंग था उदर उड़द की बात करें तो इसमें पीला चित्तवर्ण होता है, पत्तेदार रोग होता है, सरकोस्पोरा। कपास की बात करें तो बैक्टीरियल झुलसा होता है। गन्ना की बात करें लाल सड़न, कंडुआ उकठा गन्ना में होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं गेहूं की, गेहूं की बात करें तो गेहूं में गेरुई, अनावित कंडुआ, करनाल वंट, पहाड़ी वंट या दुर्गंध युक्त कंडुआ, अल्टरनेरिया झुलसा, ठीक है, इसके रोग हैं। चना की बात करें तो चना में उकठा झुलसा रोग होता है। मटर की बात करें, मटर में बुकनी रोग, रतुआ रोग, उकठा रोग और तुलसीता रोग होता है, ठीक है। मसूर की बात करें तो उकठा रोग होता है मसूर में, ठीक है। आलू की बात करें, आलू से में होता है अकेता झुलसा रोग, पिछेता झुलसा रोग, मोजेक ब्लैक स्क्रफ, ठीक है, ये आलू के रोग हैं। टमाटर की बात करें तो उकठा रोग विषाणु रोग, लीफ कर्ल तथा मोजेक, ठीक है। फिर है अमरूद, अमरूद में सूखा रोग होता है और कैंकर रोग होता है। नींबू प्रजाति का फल की बात करें तो कैंकर रोग होता है नींबू में, ठीक है, और नींबू डाइवेक होता है रोग इसमें। अंगूर की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू होता है रोग, डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है इसमें अंगूर में। सेब की बात करें ब्राउन रॉट होता है, ठीक, याद रखिए, ठीक है। तो ये थे हमारे फसल और उनसे संबंधित रोग, ठीक है। अगर आपको इनके लक्षण और रोकने के उपाय भी देखना है तो पढ़ते रहना है स्क्रीन शॉट लेकर, ठीक है। तो ये था हमारे पादप रोग। आगे बात करेंगे सातवें में पादप ऊतक।